सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्नमोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों आज का वीडियो फिर से आप ही की डिमांड में बना रहा हूं। हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त ने मुझे डिमांड की थी स्पायरोलैक्टोन टेबलेट के बारे में जानने के लिए, तो इस वीडियो में हम स्पायरोलैक्टोन टेबलेट के बारे में जानेंगे, इसकी यूज क्या क्या है पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। साथ ही जो सबसे बड़ी क्वायरी है, क्या स्पायरोलैक्टोन को इकने में प्रयोग लिया जाता है, इसको भी मैं क्लियर करूंगा। क्या इसकी डोज रहती है, सबसे ज़्यादा साइड इफेक्ट है वो क्या क्या हो रहे हैं, पुरुषों में अलग से क्या साइड इफेक्ट होते हैं, और भी बहुत कुछ बातें इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें जिससे संपूर्ण जानकारी आपको स्पायरोलैक्टोन टेबलेट के बारे में मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। स्पायरोनोलैक्टोन एक कार्डियोवास्कुलर ड्रग है जो कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, वीक डायुरेटिक तथा स्टेरॉइड मेडिसिन है। यह सामान्यतः आपको फ्रोसेमाइड तथा टोर्सेमाइड के साथ कॉम्बिनेशन मार्केट में मिल जाता है, जिसके बारे में अब मैं वीडियो अलग से बनाऊंगा। इस वीडियो में हम स्पायरोनोलैक्टोन सिंगल साल्ट के बारे में जानेंगे। स्पायरोनोलैक्टोन आपको शेड्यूल एच के होने के कारण केवल और केवल डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन मिलती है, और इसकी केवल ओरल प्रिपरेशन ही मार्केट में अवेलेबल, मतलब स्पायरोनोलैक्टोन आपको टेबलेट फॉर्म में तथा सस्पेंशन फॉर्म में मिल जाएगा। स्पायरोनोलैक्टोन टेबलेट आपको 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम तथा 100 मिलीग्राम की अलग अलग स्ट्रेंथ मिल जाएगी। और जैसा कि आपको पता है स्पायरोनोलैक्टोन दवा का जेनेरिक नाम है, वैसे तो बहुत ही कम इसकी ब्रांड ने मार्केट में अवेलेबल है, फिर भी जो इसकी कॉमन ब्रांड है अवेलेबल उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड है जैसे कि एल्डेक्टोन टेबलेट, सेलेक्टोन टेबलेट, स्पिटोन टेबलेट, ये कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड है जो मैंने बताया, और हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरी ब्रांड आपको मार्केट मिल जाए, लेकिन जो ब्रांड का जेनरिक नाम रहेगा वो स्पायरोनोलैक्टोन रहेगा, और एक ही जगह दोस्तों इनको सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। दोस्तों अब जान लेते हैं इसकी यूज़ के बारे में, क्या क्या इसकी यूज़ होता है। मुख्यतः स्पायरोनोलैक्टोन का जो यूज़ है फ्लूइड रिटेंशन, जिसे हम एडिमा बोलते हैं और सामान्य भाषा में हम इसे स्वेलिंग बोलते हैं, उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति जिसको हार्ट फेल्यूर के कारण, किडनी डिजीज होने के कारण, लीवर में कोई समस्या होने के कारण, साथ ही हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण इसके पूरे बॉडी में स्वेलिंग आ गई हो या पाँव में स्वेलिंग आ गई हो, तो उसको ठीक करने के लिए स्पायरोनोलैक्टोन डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। और यदि कोई व्यक्ति है जिसको पेट में पानी भर गया हो, मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम नाम की बीमारी हो गई हो, जिस कारण से व्यक्ति का पेट फूल जाता है, पेट में पानी भरने के कारण उसका वजन भी बढ़ जाता है और श्वास लेने में उसको समस्या होती है, तो उस स्थिति में भी यह स्पायरोनोलैक्टोन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। यदि कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड पोटेशियम लेवल कम है और उसे पोटेशियम के सप्लीमेंट देने के बाद में भी वो लेवल नॉर्मल तक नहीं पहुंचा है, तो उस समय में भी स्पायरोनोलैक्टोन डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो टीनेज लड़के हैं उनमें जो ब्रेस्ट की ग्रोथ है फीमेल्स की टाइप होने लग जाती है, जिसे हम अर्ली प्यूबर्टी स्टेज बोलते हैं, तो उस समय में भी यह दवा डॉक्टर द्वारा मरीज को प्रिस्क्राइब की जाती है, उन्हें काफ़ी फायदा होता है। कई बार डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे यदि किसी व्यक्ति को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम सेबोरिक डर्मेटाइटिस हो गई हो, जिसमें व्यक्ति की स्किन पे स्वेलिंग आने लग जाती है, रेडनेस हो जाता है, इचिंग होती है, और सामान्यतः आपको फेस पे या चेस्ट पे देखा गया है जिसको भी आप स्किन पे देख पा रहे हैं, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए भी डर्मेटोलॉजिस्ट का प्रयोग करते हैं। और फीमेल्स में हिर्सुटिज्म नाम की बीमारी है, जिसमें एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लग जाती है, बहुत ही ज़्यादा बाल उड़ने लग जाते हैं, उग जाते हैं, तो उस समय में भी यह दवा डर्मेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं। और किसी महिला को अगर पेटर्नड हेयर लॉस हुआ है तब भी यह दवा प्रिस्क्राइब की जाती है। और इसके अलावा कई बार दोस्तों मुझे कमेंट में पूछा गया है स्पायरोनोलैक्टोन एक्ने में काम आती है क्या, तो दोस्तों एक्ने में इसका प्रयोग बिल्कुल किया जाता है, लेकिन इसकी जो क्रीम फॉर्म है उसी को किया जाता है टॉपिकली उसको लगा के, लेकिन इसकी जो क्रीम थी और केवल इटली में अवेलेबल थी और उसको अभी मार्केट से विड्रॉल कर लिया गया है। और हो सकता है कोई डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर है जो इसकी टेबलेट का भी एक्ने में प्रयोग करें, तो अपने एक्सपीरियंस के अनुसार कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई पुरुष है जो ट्रांसजेंडर होकर फीमेल बनाए, तब उसकी हार्मोनल थेरेपी में भी स्पायरोनोलैक्टोन टेबलेट का प्रयोग वो डॉक्टर करते हैं। और दोस्तों इन सभी यूज़ के अलावा भी हो सकता है डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस से कोई दूसरा स्पायरोनोलैक्टोन टेबलेट का यूज़ ले, तो वो ले सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों इसके यूज को पूरी डिटेल से जानने के बाद जानते हैं इसकी डोज के बारे में, क्या इसकी डोज रहती है, किस तरह से इसको लिया जाता है। वैसे तो हर दवा को जिस तरह से पेशेंट की आवश्यकता अनुसार उसको दिया जाता है, लेकिन इसकी जो डोज है इसमें यदि कोई हार्ट फेल्यूर का पेशेंट है तो उसको लो डोज में ये दवा दी जाएगी, मतलब 25 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम की टेबलेट प्रतिदिन उसको दी जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति है जिसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, तो उसको लो डोज से लगाकर हाई डोज जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है उसी अनुसार दी जाएगी, मतलब 25 मिलीग्राम से 200 मिलीग्राम तक उसको दी जा सकती है। और यदि कोई व्यक्ति है जिसके पेट में पानी भर गया, जिसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोलते हैं, तो उस समय इसकी डोज हाई रहती है, मतलब 100 मिलीग्राम से 400 मिलीग्राम की डोज प्रतिदिन के अनुसार उसको दी जा सकती है। मतलब यह जो डोज है पेशेंट के कंडीशन पर डिपेंड करेगी। वैसे आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, डॉक्टर अपने आप कैलकुलेट करके इसको देते हैं, मैंने सामान्य से जानकारी लिए आपको बताया। और इस टेबलेट को आप खाने के बाद लें बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। और इस दवा के साथ कई बार अलग मेडिसिन भी चलती है, जैसे फ्रूसेमाइड, टोर्सेमाइड, कोई एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, कोई हार्ट डिजीज रिलेटेड मेडिसिन, तो आप उसके बारे में अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं कोई कौन सी मेडिसिन आपको चल रही है, जिससे कि स्पायरोलैक्टोन की जो डोज है एडजस्ट करके आपको दी जा सके। साथ ही यदि आपको सीवियर किडनी प्रॉब्लम है या किडनी के डायलिसिस आपको चल रहा है, तब भी आप डॉक्टर को बताएं जिससे कि आपको इसकी डोज एडजस्ट करके लिखी जा सके। और प्रेगनेंसी की यदि बात की जाए, प्रेगनेंसी में कैटेगरी सी की दवा है, तो बहुत ही एक्सट्रीम नीड होने पर इसको दिया जाता है, उसके अलावा नहीं दिया जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होने पर दिया जाता है, क्योंकि बच्चों को कुछ नुकसान कर सकती है। दोस्तों इसकी डोज जानने के बाद बढ़ लेते हैं इसके साइड इफेक्ट की तरफ, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट देखे गए, जिसमें मोस्ट कॉमन जो साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को बार बार पेशाब लगना, यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और उसके ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, डिहाइड्रेशन व्यक्ति को हो सकता है, सोडियम का लेवल उसका ब्लड में कम हो सकता है, डिजीनेस रहना, ड्राउजीनेस रहना, फीमेल्स में पीरियड का डिस्टर्बेंस रहना, ये कुछ इसके कॉमन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट देखे गए। और मेन में अगर बात की जाए तो लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल डिसफंक्शन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये कुछ देखे गए हैं। साथ ही ब्रेस्ट की साइज भी मेल्स में बढ़ना देखा गया है। वैसे तो इसको जो टीनेजर लड़के हैं, जो बॉयज़ हैं, उनको ब्रेस्ट साइज कम करने के लिए दिया जाता है, लेकिन जो मेल्स हैं जो एडल्ट हो चुके हैं उनमें इसका जो साइड इफेक्ट है ब्रेस्ट की साइज बढ़ना और ब्रेस्ट में पेन होना, इस तरह का देखा गया, लेकिन रेयर चांस है, फिर भी मैंने आपको ये अवगत करा दिया है। दोस्तों ये जो मैंने लिस्टेड साइड इफेक्ट बताए, हो सकता है इसके अलावा कोई दूसरा साइड इफेक्ट आपको देखने के मिले। यदि ऐसा हो तो तुरंत इस दवा को लेना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले, जिससे एक फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। तो दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने जो आपके लिए आवश्यक थी स्पायरोलैक्टोन के बारे में बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही कुछ नई जानकारी आपको सुनने के लिए मिली होगी। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। साथ ही यदि वीडियो आपको पसंद आ गया हो जरूर से इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और जो पास में बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहला वीडियो मुफ्त में देख पाएं। आप तो अपने दोस्त मोहित दादी से देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी अबाउट मेडिसिन यूजर्स।